हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। पाना साहिब बंद करो, बंद करो। जहानाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना के दूसरे दिन शिक्षकों ने मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के बैनर तले 8 सूत्री मांगों को लेकर आयोजित धरना की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संदीप पासवान ने की। मौके पर संघ के राज्य कार्यकारिणी सदस्य रजनधारी शर्मा ने कहा कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के मनमाना पूर्ण रवैये के कारण बकाया अंतर वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि NIOS प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ DPO का व्यवहार भेदभावपूर्ण है। DPO ने राज्य का हवाला देते हुए एक पत्र जारी कर 31 मार्च 2019 के बाद प्रशिक्षित शिक्षकों को नवनियुक्त मानते हुए वेतन के पुनर्निर्धारण की बात कही, जो सरासर अन्याय है। उन्होंने बताया कि पूर्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी वार्ता कर इस बात पर सहमति बनी थी कि 2-3 दिनों में बकाया अंतर वेतन सहित अन्य मांगों पर विचार करते हुए पत्र निकाला जाएगा, लेकिन इसे लेकर अब तक न किसी प्रकार का निर्देश जारी किया गया है और न ही किसी प्रकार का कोई पत्र निर्गत हुआ। वहीं जिलाध्यक्ष ने बताया कि 8 सूत्री मांगों में NIOS प्रशिक्षित शिक्षकों को पूर्व की भांति वेतन एवं एरियर का भुगतान करने, 15% वेतन वृद्धि उपरांत लंबित बकाया वेतन का अविलंब भुगतान, नवगठित नगर निकाय के 8 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित विद्यालयों के शिक्षकों को शहरी आवास भत्ता का भुगतान करने, नवनियुक्त शिक्षकों के सेवा पुस्त संधारण के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर प्रखंडवार कैंप की तिथि निर्धारित किए जाने की मांग की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज होगा। धरना में प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट के जिलाध्यक्ष रामोदय कुमार, टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के जिला सचिव गणेश कुमार, भूषण कुमार, नीलकमल चौधरी, दानिश अकबर, बसंत कुमार, सतेंद्र कुमार, मोहम्मद महफूज, जुनैद अंसारी, साइस्ता रहमत, अनुपम कुमारी, अंजुम जोहरा, संगीता कुमारी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। हम लोग की मांग है कि अविलंब उस पत्र को संशोधन किया जाए जो प्रशिक्षण चर्या की तिथि है 31/3/2019 उसको मानते हुए जो NIOS ने कहा है कि ये लोग प्रशिक्षित हैं, आप इनके अविलंब अंतर वेतन का भुगतान कीजिए और साथ साथ इनको ये जो तुगलकी फरमान वाला पत्र निकाले हैं कि इनको नव नियुक्त मानते हुए इनका फिक्सेशन करेंगे, ये सब छलावा बंद कीजिए और इन सबको इनका जो वाजिब हक है NIOS से प्रशिक्षित हमारे साथियों का विभिन्न मांगों को 15% एरियर का ये सब अविलंब भुगतान करें। हम लोग को शौक नहीं है, हम बच्चों को पढ़ाने वाले लोग हैं। अच्छा, हम चाहते हैं हाँ। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती तो अगला नीति क्या होगा? हाँ, राज्य के जो आलोक में हम लोग आज यहाँ बैठे धरना पर, अगर मांग पूरी नहीं होगी तो हम दोहरी लड़ाई लड़ेंगे। एक तो हम लोग यहाँ से विभागीय स्तर पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, जो हमारा आर्गूमेंट है वो रखेंगे, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट सॉरी जो हमारा कोर्ट का आदेश है, सिंगल बेंच का आदेश मिला है जिसका आड़ लेकर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हम लोग कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे और डबल बेंच में जा करके वहाँ से फैसला अपने पक्ष में लेकर के आएंगे और अपने शिक्षक के हितों की रक्षा करने का काम करेंगे। चाहे जो बलिदान करना हो हम लोग तैयार हैं।